अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान अटामिक एनर्जी में तीन टाइप की जॉब्स आई हैं, तीनों की अलग-अलग एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको वेबसाइट मिलेगी sagejobcity.com। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फ्री वीज़ों की, ऑनलाइन अर्निंग की, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स के अलावा बहुत ज़्यादा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन बात हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की। यहाँ पे आप जब आके चेक करेंगे, यहाँ पे आपको और भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट की जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इस टाइम बात हो रही है एटॉमिक एनर्जी की। आप इस वेबसाइट को अगर विजिट करते हैं तो एवरीडे बेस पे आपको पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन एवरीडे बेस पे शेयर की जाती हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स की हो या प्राइवेट सेक्टर की। तो विजिट करते रहें sagejobcity.com वेबसाइट। तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से लेके मास्टर तक हैं 10/5/2021 तक, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आके इसकी वन बाय वन एटॉमिक एनर्जी की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। पहली पोस्ट में इसका आपको फॉर्म साथ ही मिलेगा, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेंगी। दूसरी एडवर्टाइजमेंट के मतलब देखी जाए, ये ज़रा हाई लेवल पे जॉब्स आई हैं एटॉमिक एनर्जी में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है वो सारी इंस्ट्रक्शन इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंशन की हुई है। तीसरी अगर पोस्ट के मतलब बात देखी जाए, इसमें ज़रा मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर तक जो से एलिजिबिलिटी है, इसके लिए सारा आपको तरीकेकार मिलेगा। इसकी यहाँ पे आके टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड आउट करके अप्लाई नो के बटन पे जब क्लिक करेंगे, ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे आके आप अप्लाई कर सकेंगे और इस तरह की बहुत सारी और भी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी sagejobcity.com वेबसाइट पे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक के साथ शेयर करें, नए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब रखें, बेल आइकॉन पर क्लिक रखेंगे आपको नोटिफिकेशन हमारी तरफ से मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।